आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में बोर्ड परीक्षाओं का बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यों और अधिकारियों के साथ इस पर व्यापक चर्चा की। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के माध्यम से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। इस बार सभी छात्र खुशी से झूम उठेंगे और खुशी से नाच भी उठेंगे, क्योंकि छात्रों के हित में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया सभी बोर्डों के लिए, चाहे वो हरियाणा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी बोर्डों के लिए ये बहुत ही बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। तो आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र या छात्राएं हो, अपने बोर्ड का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई जानकारी मिले, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी छोटी सी ब्रेकिंग में बहुत ही बड़ी खबर। जैसा कि सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार सिलेबस को एनसीईआरटी में बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। ऐसे में छात्रों के बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल ही आसान रखे जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस में बेहद ही ज्यादा आसान क्वेश्चन को शामिल किया है। अब छात्र छात्राएं आसानी से तैयारी कर पाएंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। और इसी के मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार का ये भी कहना है कि एनसीईआरटी को कम करने का हमारा उद्देश्य यही था कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी छात्र फेल ना हो। ऐसे में छात्रों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही। अब ऐसे में जो छात्र फेल हो जाएंगे उनका दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा बोनस अंक देने की भी स्कीम लागू करने की बात कही है। ऐसे में सरकार का ये भी कहना है कि 95% छात्रों को इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में पास किया जाएगा। साथ ही बैठक के माध्यम से यह भी वादा किया जा रहा है कि सभी को पास किया जाएगा। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने यह भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, जिससे छात्रों के बीच में हलचल बनी रहती है। ऐसे में जो छात्र पढ़ाई किए हुए होते हैं उनकी परीक्षा बेकार हो जाती है। इसीलिए सरकार ने छात्रों को आश्वासन देते हुए ये भी कहा है कि इस बार किसी भी छात्र को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी परीक्षार्थी को फेल करने का आदेश नहीं दिया गया है। कुछ शर्तें हैं जिनको छात्र फॉलो करेंगे तो वो आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि सभी परीक्षार्थियों को स्कूल में 70% उपस्थिति दर्ज करानी होगी। छात्रों को स्कॉलरशिप स्कूल में उपस्थिति के आधार पर दी जाती है। साथ में जो भी छात्र पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं या उनकी लिखावट बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी साफ सुथरा ढंग से लिखते हैं, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखने का आंसर देने का एक बेहतरीन ढंग होता है, तो ऐसे छात्रों की पढ़ाई का पूरा कर सरकार उठाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। ऐसी खबर सुनते ही छात्र खुशी से गदगद हो चुके हैं और सोशल मीडिया के जरिए सरकार के इस बड़े कदम की सराहना भी की जा रही। साथ में सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि छात्रों की उपस्थिति 70% है तो छात्रों को प्रैक्टिकल में भी नंबर बढ़ाकर दिए जाएंगे, यानी कि 30 नंबर का अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 30 में 30 पर सब्जेक्ट में हर छात्र को दिए जाएंगे। सरकार का नियम यह बेहद ही आकर्षक व शानदार। सरकार यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन तरीके से आयोजित कराने को लेकर 5 स्तरीय एंटी चीटिंग प्लान बनाकर तैयार कर लिया गया। इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में करीब 55 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन कर चुके हैं और इनके 8,265 मूल्यांकन केंद्र भी बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में अगर आपके 60% भी अंक आते हैं तो इस बार आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेबलेट जैसी बड़ी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अगर आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड का और राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें।